प्रीत प्रीत हिताई हिताई जात छोड़ देला प्रीत प्रीत हिताई हिताई जात छोड़ देला जब जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई जग में नमस्कार रुना देखा तनी भोजपुरी न्यूज टाइम हम शंभूसरण गोरखपुर जनपद में अपार संभावना देखे की मिला था क्योंकि संभावना ये नाते कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी यहाँ गोरखपुर में मिले था देखे के गोरखपुर में चूंकि कई तरह का कई एंगल का न्यूज आपके कई एंगल का खबर आपके हम देखावत अपने चैनल पर नजर आए ली लेकिन एक ऐसा पहलू जो ना पहलू से एक सुर के आपके परिचय कराई सुर से ताल से परिचय कराई प्रतिभा से परिचय कराई प्रतिभा गोरखपुर में तमाम तरह का प्रतिभा एक तरह का ऐसा प्रतिभा जौन दू ऐसा लेके जौन बिहार के मैथिली ठाकुर के पद्धति पे चलत नजर आवत है दू ऐसा लेके जौन सुर के साधत नजर आवत है कम आयु के लेके जौन कक्षा 6, 7, 5, 4 में पढ़े वाले लेके जब ढोलक और हारमोनियम पर संगत करत आपके नजर आई है तो आपके दांतों तले उंगली दब जाए कि कितना मधुर और कितना उम्दा सुर एक गोरखपुर के लैकन के क्योंकि गुदड़ी के लाल भी कहली तो कम नहीं के एक गरीब ब्राह्मण परिवार के दो लैके जवन अपने सुर के बहाने देश दुनिया में अपन ख्याति अपने माता पिता के सपना के साकार कर नजर रही हैं हमरे पीछे कैमरा के पीछे आपके नजर आओ तना दो लैके और आज ये दो लैकन के सुर के धनी सरस्वती पुत्र से हम परिचय कराईब जो लैके सुर के साधत ताल के साधत नजर आवतान कितनी अच्छी गायकी जब भोजपुरी न्यूज टाइम की पता लगल है तो बरबस भोजपुरी न्यूज टाइम की टीम गोरखपुर के लहसड़ी में आज पहुंचल और ये लैकन से परिचय हुई लैकन के परिवार और परिजन से परिचय हुई सबसे पहले ढोलक पे हम पर चलत हैं और ढोलक से परिचय कराई ढोलक पे देखिए हम वो लैका तक पहुंच गए जेके बतौली कि ढोलक से आपके संगत करत नजर आता और इनके भाई दोनों भाई आई बड़ बड़न ई छोट बड़न का नाम बा आपका श्रेयांश पांडे श्रेयांश पांडे आपके इस शौक कब से मन में आ गए गायकी का सपना कि हम ढोलक बजाए भैया हारमोनियम बजाई हैं और गावल जाए पहले से कौन से क्लास में पढ़े लिए आप 5 अच्छा अब इनका सपना बाकी कोनो कलाकार जिके आप आदर्श मानत हो कि और उनका जैसा बनला के कोशिश करत हो कि के आपके आदर्श हुई विराट कोहली ने गायकी में बताई ना गायकी में खेसारी लाल यादव अच्छा खेसारी लाल यादव इसमें खेसारी लाल यादव क्योंकि टॉप ब्रांड पे चलता है भोजपुरी में तो आप भोजपुरी गा के खेसारी लाल के पदचिन पे उनसे उनके जैसे बनल चाहते हैं तो खेसारी लाल तो कुछ अश्लील भी गा देना तो फिर वैसे गवाई गाना साफ सुथरा कौन ऐसा गीत एक लाइन सुनाए मेरे दर्शक मैया के पाँव पे जनिया हड़ी निके लागेला मैया के पाँव पे जनिया हड़ी निके लागेला जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई जग में माई बिना के हुए माई बिना के हुए सहाय ना होई हो सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई अपन सूखल पाकल खाके रखल सब कर धर्म बचा के अपन सूखल
पाकल खा के तखन सब कर धर्म बचा के हो अपने सूखल पाकल खा के रखली सब कर धर्म बचा के अपने सूखल पाकल खा के रखली सब कर धर्म बचा के उनकर अच्छा रास्ते बढ़ी के अच्छा रास्ते बढ़ी के रजाई ना हुई हो रजाई ना हुई के हूँ के तनो दुलारी बागमाई ना हुई के हूँ के तनो दुलारी बागमाई ना हुई के तनो दुलारी बागमाई ना हुई। इस श्रेयांश पांडे के गीत आप सुनाते नहीं कि मैया के पांव पैजनिया बड़ी निक लागेला। देखिए कितना सुंदर तरीके से बजौलन है और गौलन है। श्रेयांश पांडे देखत के बहुत छोट लगत है लेकिन कलाकार उम्दा वाणन और गोरखपुर के एक अलग पहचान बनावत नजर आवत है। श्रेयांश जी आपके भैया से भी थोड़ा जानकारी ले लें क्योंकि आपके भोजपुरी न्यूज टाइम के तरफ से ढेर सारा सम्मान आपके कि आप गाई बजाई और बहुत बड़ कलाकार बनी। आपका नाम क्या हुआ? श्रेयांश पांडे। श्रेयांश पांडे के बड़ भाई और हृदयांश पांडे इनका नाम बा। हृदयांश जी आपके मन में कहाँ से विचार आ गए गायकी के? बहुत पहले से जब छोट रहनी। अच्छा तो का गा ले लिया आप का बजा ले लिया का गा? हम हिंदी गाना गायना। हिंदी गा लिया तो आप हिंदी में के आदर्श के कौन कलाकार जैसे बनने की कोशिश आप कर रहा था? नहीं राहत फतेह अली खान। राहत फतेह गजल गायकी। राहत फतेह अली खान और गुलाम अली। अच्छा बहुत बड़ी बात बहुत बड़ सपना और अच्छी बात है। सपना बड़ होके के चाहिए और जब बड़ सपना हुई तब आदमी ऊपर छलांग लगा के ओकर पकड़ला के कोशिश करी और ओके मुकम्मल हासिल कैला के भी कोशिश करी। तो हृदयांश से कुछ सुनल जा। क्योंकि हृदयांश का कुछ तबियत भी अस्वस्थ बा और लेकिन साथ देता ना सुर से चले। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। क्या बात है?
दो कदम मैं तो चल ही सकता, दो कदम मैं तो चल ही सकता, तू ही मिल जा किसी बाने से। क्या बात है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, ओ हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझ से बिछड़ कर मुझको जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाह, बहुत सुंदर। ये देखिए, हृदयांश पांडे बरबस अपने गजल की तरफ खींचत नजर आई लन, और आप पा हवा करत नजर आई मैं, क्योंकि एक हीरा मोती जोने की कलजा सुर के धनी, एक अमदा कलाकार, दो लड़के और गोरखपुर के धरती से निकल के देश दुनिया के फलक पे अपन पहचान बनावत नजर आवता मैं। तो हृदयांश जी, आपके मम्मी पापा का सपोर्ट मिला ला? हाँ, फुल एकदम फुल सपोर्ट मिला था। आपके भी, आपके मम्मी बगल में बैठे वाली, कुछ बात हो जाए उनसे। आपके दोनों लड़के अपने आप में विलक्षण प्रतिभा का धनी बाणा, और आपके अनुपम एक तरह से खजाना मान ली ए लैकन के, आपके तब कोनो कमी नहीं के, लेकिन आखिर में सपना और का आप देखत हो कि ए लैकन से और कुछ उम्मीद करत हो और समाज के काम ऐसे दिल जाए? समाज के ये मैसेज बा कि आजकल के जो अश्लील गाना बाटे ओके रोकले की कोशिश जी, ये लोगन के लोक गायकी के और पारंपरिक गीत के माध्यम से, हम संदेश दिया चाहता नहीं कि एक अच्छा गीत गावा लोकगीत के माध्यम से भी इंसान समाज में एक अच्छा छवि बना सकेला, कामयाबी हासिल कर सकेला, और अगर एक लक्ष्य बना ले कि हमके साफ सुथरा गीत के माध्यम से समाज में अपन एक मुकाम तक पहुँचेगा तो जरूर वो मुकाम तक पहुँची। आपका प्रयास रहे कि आपके लेके समाज के एक ऐसा मैसेज दें, साफ सुथरे गीत गा के अपन पहचान बनाए, तो आप भी अपने लेकन से ये उम्मीद करवें कि आपके लेके, चूंकि आपके लेके अब कोनो परिचय का मोहताज नहीं थे, दोनों लेके श्रेयांश और हृदयांश, नाम भी बड़ा सुंदर बा और सुंदर काम भी बा, पढ़ाई के साथे साथे सुर के धनी भी लोग बाड़े, तो धीरे धीरे तमाम मंचन पे इन्हें इनके सम्मान मिली, तो आपके बड़ी गर्व की अनुभूति होता समाज के और इन हृदयांश और श्रेयांश के दोनों जन के। आपका कल चाहते अपने चैनल के माध्यम, अपने चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यह सपना बा कि लोग अपन नाम रोशन करें ऐसा ही साफ सुथरा गीत गा के, और अपन एक लक्ष्य तय कर लें कि हाँ हमके यह करे के बाटे। फुल सपोर्ट है लोगन के देवा के जहाँ तक, एकदम एकदम सपोर्ट है ए लोगन के, कहल जाते सरस्वती जी के, ए लोगन के सच्चा सरस्वती जी भी विराजमान बाटी, और घर के भी कुछ माहौल ऐसे शुरू से ही रहा है कि ये लोग बिना खानदान में घर में क्यों गावत रहे पहले पूर्वज में क्यों? हाँ, इनका पापा गावेली। अच्छा, और पापा तो पापा के विरासत मिल गए पापा के, तो करीब मतलब 2.5 साल से ये लोग जोन बाटे संगीत के माहौल में ये लोग रम गए बाटे, और अच्छा आप भी कुछ गा ले नहीं? ना ऐसे तो हम ना ही गाइला, बस वह गुनगुनाल जन कहल जाला।
बस मम्मी पापा का असर, चूंकि हाँ मम्मी चूंकि कितना गदगद आपके नजर आओ थे कैमरा पे, श्रेयांश और हृदयांश के मम्मी, और दुनिया में एक अलग पहचान बनावत नजर रही है लई के, चूंकि आप सबसे ये निवेदन बा कि ये लईकन के सपोर्ट करी, सहयोग करी, और भोजपुरी न्यूज टाइम के टीम ये लईकन के सपना के साकार कैला के संकल्प भी लेता कि जहाँ भी प्रयास हुई भोजपुरी न्यूज टाइम के टीम ये तरह के प्रतिभा के आगे बढ़ाई। आप सबके अच्छा लगी शेयर और कमेंट करी, और चैनल के जरूर बताई कमेंट में जाके, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करी। देखत रही कैमरा पर्सन चंदन संगम भोजपुरी न्यूज टाइम शंभूषण यादव देखत रही। देखिए हम वो लईका तक पहुँच गई जे कि बतौली कि ढोलक से आपके संगत करत नजर आता, और इनके भाई दोनों भाई आई बड़ बड़न छोट बड़न, का नाम बा आपका? श्रेयांश पांडे। श्रेयांश पांडे, आपके इस शौक कब से मन में आ गए गायकी का सपना कि हम ढोलक बजाए, भैया हारमोनियम बजाई हैं और गावल जाए? पहले से। कौन से क्लास में पढ़े लिए आप? 5। अच्छा, अब इनका सपना बाकी कोनो कलाकार जिके आप आदर्श मानत हो कि और उनका जैसा बनला के कोशिश करत हो कि के आपके आदर्श हुई? विराट कोहली। नहीं, गायकी में बताई ना। गायकी में खेसारी लाल यादव। अच्छा, खेसारी लाल यादव। इसमें खेसारी लाल यादव क्योंकि टॉप ब्रांड पे चलते हैं भोजपुरी में, तो आप भोजपुरी गा के खेसारी लाल के पच्चीन पे उनसे उनके जैसे बनल चाहते हैं? हाँ। तो खेसारी लाल तो कुछ अश्लील भी गा देना तो फिर वैसे गवाई गाना साफ सुथरा? कौन ऐसा गीत एक लाइन सुनाए मेरे दर्शक? मैया के पाँव पे जनिया हड़ी निके लागेला, मैया के पाँव पे जनिया हड़ी निके लागेला, जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, जग में माई बिना के हुए, माई बिना के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, अपन सूखल पाकल खाके रखल सब कर धर्म बचा के, अपन सूखल पाकल खाके रखल सब कर धर्म बचा के, हो अपने सूखल पाकल खाके रखल सब कर धर्म बचा के, अपने सूखल पाकल खाके रखल सब कर धर्म बचा के, उनकर अच्छा रास्ते बढ़ी के, अच्छा रास्ते बढ़ी के रजाई ना हुई हो, रजाई ना हुई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। नमस्कार, रुना देखा तनी भोजपुरी न्यूज टाइम, हम शंभूषण। गोरखपुर जनपद में अपार संभावना देखे के मिलता, क्योंकि संभावना ये नाते कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी यहाँ गोरखपुर में मिलेता देखे के। गोरखपुर में चूंकि कई तरह का कई एंगल का न्यूज आपके, कई एंगल का खबर आपके हम देखावत अपने चैनल पर नजर आए, लेकिन एक ऐसा पहलू जो ना पहलू से एक सुर के आपके परिचय कराई, सुर से ताल से परिचय कराई, प्रतिभा से परिचय कराई। प्रतिभा गोरखपुर में तमाम तरह के प्रतिभा, एक तरह का ऐसा प्रतिभा जौन दू ऐसा लैके जौन बिहार के मैथिली ठाकुर के पद्धति पे चलत नजर आवता है, दू ऐसा लैके जौन सुर के साधत नजर आवता है, कम आयु के लैके जौन कक्षा 6, 7, 5, 4 में पढ़े वाले लैके जब ढोलक और हारमोनियम पर संगत करत आपके नजर रही हैं, तो आपके दांतों तले उंगली दब जाए कि कितना मधुर और कितना उम्दा सुर ये गोरखपुर के लैकन के, क्योंकि गुदड़ी के लाल भी कह ली तो कम नहीं के, एक गरीब ब्राह्मण परिवार के दो लैके जवन अपने सुर के बहाने
देश दुनिया में अपन ख्याति अपने माता पिता के सपना के साकार कर नजर रही हैं। हमारे पीछे कैमरा के पीछे आपके नजर आवतन दो लड़के और आज ये दो लड़कन के सुर के धनी सरस्वती पुत्र से हम परिचय कराई जो लड़के सुर के साधत ताल के साधत नजर आवतन। कितनी अच्छी गायकी जब भोजपुरी न्यूज टाइम की पता लगल है तो बरबस भोजपुरी न्यूज टाइम की टीम गोरखपुर के लहसड़ी में आज पहुंचल और ये लैकन से परिचय हुई, लैकन के परिवार और परिजन से परिचय हुई। सबसे पहले ढोलक पे हम पर चलत हैं और ढोलक से परिचय कराए। ढोलक पे ये आपके आपके का नाम बा? श्रेयस पांडे। श्रेयस पांडे, लाइट का हम देखिए हम वो लैका तक पहुंच गए जे के बतौली कि ढोलक से आपके संगत करत नजर आता और इनके भाई दोनों भाई आई बड़ बड़न ई छोट बड़न। का नाम बा आपका? श्रेयस पांडे। श्रेयांश पांडे, आपके इस शौक कब से मन में आ गए गायकी का सपना कि हम ढोलक बजाए भैया हारमोनियम बजाई हैं और गावल जाए? पहले से। कौन क्लास में पढ़े लिया? पाँच। अच्छा, अभिन का सपना हुआ कि कौन कलाकार जिके आप आदर्श मानत हो कि और उनका जैसा बनला के कोशिश करत हो कि के आपके आदर्श हुई? विराट कोहली। नहीं, गायकी में बताए ना। गायकी में खेसारी लाल यादव। अच्छा, खेसारी लाल यादव। इसमें खेसारी लाल यादव क्योंकि टॉप ब्रांड पे चलता है भोजपुरी में, तो आप भोजपुरी गा के खेसारी लाल के पदचिन पे उनसे उनके जैसे बनल चाहते हैं? तो खेसारी लाल तो कुछ अश्लील भी गा देना तो फिर वैसे गा भाई गाना नहीं साफ सुथरा। कौन वैसा गीत एक लाइन सुनाए मेरे दर्शक? मैया के पाँव पे जनिया हड़ी निकला गेला, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निकला गेला, बड़ी निकला गे मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निकला गेला, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निकला गेला। इस श्रेयांश पांडे के गीत आप सुनाते नहीं कि मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निकला गेला। देखिए कितना सुंदर तरीके से बजौलन है और गौलन है श्रेयांश पांडे। देखत के बहुत छोट लगत है लेकिन कलाकार उम्दा वाणन और गोरखपुर के एक अलग पहचान बनावत नजर आवत हैं। श्रेयांश जी, आपके भैया से भी थोड़ा जानकारी ले लें क्योंकि आपके भोजपुरी न्यूज टाइम के तरफ से ढेर सारा सम्मान आपके कि आप गाई बजाई और बहुत बड़ कलाकार बनी। आपका नाम क्या? हृदयांश पांडे। श्रेयांश पांडे के बड़ भाई और हृदयांश पांडे इनका नाम बा। हृदयांश जी, आपके मन में कहाँ से विचार आ गए गायकी के? बहुत पहले से, जब छोट रहनी। अच्छा, तो का गा ले लिया आप? का बजा ले लिया? का गा? हम हिंदी गाना गाए ना। हिंदी गा लिया? तो आप हिंदी में के आदर्श मानी के कौन कलाकार जैसे बनने की कोशिश आप करत हानी? राहत फतेह अली खान। राहत फतेह, गजल गायकी? राहत फतेह अली खान और गुलाम अली। अच्छा, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ सपना और अच्छी बात है। सपना बड़ होके के चाहिए और जब बड़ सपना हुई तब आदमी ऊपर छलांग लगा के ओकर पकड़ला के कोशिश करी और ओके मुकम्मल हासिल कैला के भी कोशिश करी। तो हृदयांश से कुछ सुनल जा एक चंद लाइन क्योंकि हृदयांश का कुछ तबीयत भी अस्वस्थ बा और लेकिन साथ देता ना सुर से। चलिए, चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से, दो कदम में तो चल ही सकता, दो कदम में तो चल ही सकता, तू ही मिल जा किसी बाने से। क्या बात है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, ओ हम तेरे
आए हैं मुसाफिर की तरह। क्या बात है। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझ से बिछड़ कर मुझको जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाह, बहुत सुंदर। ये देखिए, हृदयांश पांडे बरबस अपने गजल की तरफ खींचत नजर आई लन, और आप पाहवा करत नजर रही मैं, क्योंकि एक हीरा मोती जोने के कल जा सुर के धनी, एक अमदा कलाकार दो लड़के और गोरखपुर के धरती से निकल के देश दुनिया के फलक पे अपन पहचान बनावत नजर आवता ना। तो हृदयांश जी, आपके मम्मी पापा का सपोर्ट मिला ला? हाँ, फुल एकदम फुल सपोर्ट मिला था। आपके भी? आपके मम्मी बगल में बैठल वाली, कुछ बात हो जाए उनसे। आपके दोनों लड़के अपने आप में विलक्षण प्रतिभा का धनी बाणा, और आपके अनुपम एक तरह से खजाना मान ली ए लैकन के, आपके तब कोनो कमी नहीं के, लेकिन आखिर में सपना और का आप देखत हो कि ये लैकन से और कुछ उम्मीद करत हो और समाज के काम ऐसे दिल जाए। समाज के ये मैसेज बा कि आजकल के जो अश्लील गाना बाटे ओके रुकले की कोशिश जी, ये लोगन के लोक गायकी के और पारंपरिक गीत के माध्यम से ई हम संदेश दियल चाहता नहीं कि एक अच्छा गीत गावा लोक गीत के माध्यम से भी इंसान समाज में एक अच्छा छवि बना सकेला, कामयाबी हासिल कर सकेला। और अगर एक लक्ष्य बना ले कि हमके साफ सुथरा गीत के माध्यम से समाज में अपन एक मुकाम तक पहुँचेगा तो जरूर वो मुकाम तक पहुँची। आपका प्रयास रहे कि आपके लेके समाज के एक ऐसा मैसेज दें, साफ सुथरी गीत गा के अपन पहचान बनाए, तो आप भी अपने लेकन से ये उम्मीद करवें कि आपके लेके, क्योंकि आपके लेके अब कोनो परिचय का मोहताज नहीं थे। दोनों लेके श्रेयांश और हृदयांश, नाम भी बड़ा सुंदर बा और सुंदर काम भी बा, पढ़ाई के साथे साथे सुर के धनी भी लोग बाड़े, तो धीरे धीरे तमाम मंचन पे इन्हें इनके सम्मान मिली, तो आपके बड़ी गर्व की अनुभूति होता समाज के और इन हृदयांश और श्रेयांश के दोनों जन के। आपका कल चाहते अपने चैनल के माध्यम से यह कहा जाते हैं कि यह सपना बा कि लोग अपन नाम रोशन करें ऐसे ही साफ सुथरा गीत गा के, और अपन एक लक्ष्य तय कर लें कि हाँ हमके यह करे के बटे। फुल सपोर्ट है लोगन के देवा के जहाँ तक। एकदम सपोर्ट है ए लोगन के, कहा जाते सरस्वती जी के, लोगन के सच्चा सरस्वती जी विराजमान बटी, और घर के भी कुछ माहौल ऐसे शुरू से ही रहा है कि ये लोग बिना खानदान में घर में क्यों गावत रहे पहले पूर्वज में क्यों। हाँ, इनका पापा गावे ली। अच्छा, और पापा तो पापा के विरासत मिल गए पापा के। तो करीब मतलब 2.5 साल से ये लोग जोन बाटे संगीत के माहौल में ये लोग रम गए बाटे। और अच्छा, आप भी कुछ गा ले नहीं? नहीं, ऐसे तो हम नहीं गाइला, बस वह गुनगुनावल जन कहल जाला बस। मम्मी पापा का असर, चूंकि हाँ मम्मी, चूंकि कितना गदगद आपके नजर आओ थे कैमरा पे, श्रेयांश और हृदयांश के मम्मी, और दुनिया में एक अलग पहचान बनावत नजर रही है लड़के, चूंकि आप सबसे ये निवेदन बा कि ये लड़कन के सपोर्ट करी, सहयोग करी, और भोजपुरी न्यूज टाइम के टीम ये लड़कन के सपना के साकार कैला के संकल्प भी लेता कि जहाँ भी प्रयास हुई भोजपुरी न्यूज टाइम के टीम ये तरह के प्रतिभा के आगे बढ़ाई। आप सबके अच्छा लगी शेयर और कमेंट करी, और चैनल के जरूर बताएं कमेंट में जाके, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करी।